హత్రాస్ ఘటన నిందితులకు కఠిన శిక్ష విధించాలంటూ ఢిల్లీలో ప్రియాంక గాంధీ ధర్నాకు దిగారు. ఈ కేసు విషయంలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని ప్రియాంక దుయ్యబట్టారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కళ్ళు మూసుకుందని విమర్శించారు. ప్రియాంక గాంధీ అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. लंबी सांस रखे, ओम का नाद करेंगे, क्योंकि पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति है, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, पवित्र प्रांगण है, प्रार्थना सभा है, प्रियंका जी की उपस्थिति है. इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मौन का मतलब मौन, मैं मौन शुरू कर रहा हूँ. जय किशन जी मौन. प्रियंका जी अनुमति है, मौन की अनुमति है. स्वामी जी लंबा सांस खींच के मैं ओम का नाद करूंगा, उसके पश्चात मौन शुरू हो जाएगा. भाई 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 कैमरा देखिए थोड़ा सा किसका है. परिवार के साथ साथ अपनी पार्टी के अपने समाज के जिन संगठनों ने यह आयोजन किया है, चौधरी सरपंच कमेटी, वाल्मीकि यूथ फ्रंट, वाल्मीकि नई सोच, हमारे जितने भी साथियों ने, मैं दिलों की गहराइयों से यहाँ आने पर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. खास करके उचित नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस लड़की के साथ हुआ और जो आज भी उसके परिवार के साथ हो रहा है, जो पिछले 3-4 दिनों से उन पर अन्याय लादा जा रहा है, इसके खिलाफ इस देश की एक एक महिला की आवाज उठनी चाहिए, इस देश की एक एक पुरुष की आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का अन्याय कि पहले जो भी उस लड़की के साथ किया गया उसको झेलते हुए भी सरकार की कोई मदद नहीं मिली, उसका परिवार एकदम अकेला महसूस कर रहा होगा अपने आप. इसीलिए मैं आपके बीच आई, जब मैंने सुना यहाँ आपके समाज वाल्मीकि समाज ने उनके लिए एक प्रार्थना सभा रखी है, मैं इसलिए यहाँ आई कि आपको और उनके परिवार को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अकेले हैं. जो उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे. हमने कल भी कहा और हम आप सबको आग्रह करते हैं, अपनी आवाज उठाइए. मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले. हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए. हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए, ये हमारी परंपरा नहीं है.
राम जैसे किसी को लग जाएगा यार। अरे लगेगी भाई, भैया तुम्हें साइड हो जाओ सर, किसी को लग जाएगा। धक्का मत दो भाई, धक्का मत दो भाई, आराम से रुक जा, रुक जा, मत जा। मैडम कर रहे हैं पब्लिक ने देख चले सर। హత్రాసులోకి పోలీసులు ఎవరిని రానివ్వడం లేదు. సిట్ విచారణ పేరుతో నిన్నటి నుంచి గ్రామాన్ని తమ అధీనంలోకి తీసుకున్నారు. దీంతో అక్కడికి వచ్చిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. నలుగురు ఎంపీల్లో ఇద్దరు మహిళా ఎంపీలను బాధితురాలి తల్లిని పరామర్శించేందుకు పంపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అయినా వారిని గ్రామంలోకి అనుమతించకపోవడంతో అక్కడే నిరసన చేపట్టారు. ఈ సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన కలెక్టర్ వారిని వెళ్లిపోమని తోసేశారు. దీంతో తృణమూల్ ఎంపీ డెరిక్ ఉబ్రెయిన్ కింద పడిపోవడంతో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. हमने जयपुर के अंदर 1 किलोमीटर जाने नहीं दिया जा रहा, क्या करेंगे 1 किलोमीटर देखने जाने जाओ मिलने के लिए। ये अंदर जाना चाहती है पिता के, पीड़िता के मदर से बातचीत करने के लिए। यहाँ तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ चार सांसद हैं, अलग अलग से आए, दोनों को जाने दीजिए, हम लोग दो यहाँ है, यहाँ 1 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर के साथ तो कोई अस्त्र नहीं है, हम लोग तो कोई गन नहीं लेके आए, बस माता जी माँ को जाना है, माता जी को कुछ नहीं कर रहे हो, ममता बनर्जी नहीं है, पर जाने जस्ट यू कॉन्डोलेंस देना है, एक माँ के पास में जो दर्द है तो हम समझ सकते हैं, हमारी ड्यूटी है, आपका जो ऑफिसर है ऑफिसर हम उनमें पूछे मिलना चाहते हैं, सांसद है टीएमसी की, वो अगर निकलने के लिए देखिए मैं बताना चाहता हूँ, सांसद है टीएमसी की, वो अगर निकलने के लिए